अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज है सैटरडे, मैं और साकिब उठ चुके हैं, बल्कि रेडी भी हो गए हैं। बस कपड़े चेंज करने हैं। मैंने कपड़े इसलिए चेंज नहीं किए क्योंकि अभी हमने करना है ब्रेकफास्ट, बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि हमारे आ रहे हैं कुछ गेस्ट। अब बस उसकी तैयारी करेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, बच्चों को उठाएंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का वेदर बहुत प्यारा है, सनी वेदर है और आज टेम्परेचर 19 है। तो ऐसे मौसम में तो आज की आउटिंग पे जाना चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं। साके उसने लिए सालन डाल रहे हैं। सो गाइस, बस सालन गरम करो ब्रेकफास्ट के लिए। पराठों के साथ सालन खाना है आपने? आज मेरा दिल नहीं कर रहा ऑमलेट खाने का। हाँ नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ योगर्ट और सालन सालन के साथ पराठा खाया जाए। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं भी ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। और पिकल ना खाएं ब्रेकफास्ट में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो गाइस, आपको ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं। साकेब जी, आप क्या गर्म कर रहे हैं? मैं ले आ रहा हूँ सारा लेके। ठीक है, चलो सही है, जल्दी आ जाओ फिर चाय ठंडी हो जाएगी। सो गाइस, आप बताएं कि ऐसे कौन कौन खाता है पराठा अचार के साथ और साथ ही चाय का सिप। मुझे तो बहुत ही पसंद है पराठा अचार के साथ, लो और फौरन चाय साथ पियो, उसका मजा ही और है। आप बताएं, अगर आप ऐसे ब्रेकफास्ट करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप ये ट्राई जरूर कीजिएगा जी। तो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है, मौसम इतना अच्छा है कि दिल कर रहा है कि थोड़ी देर जो है बाहर जाके टाइम गुजारे। किस्मत से ही धूप मिल रही है। आज मैं होप नहीं कर रहा था, होप नहीं कर रहा था कि नाइस वेदर होगा। चले थोड़ी देर नीचे, चलो बच्चे ब्रेकफास्ट कर ले फिर चलते हैं। हाँ। अगर टाइम मिला तो अभी हम, मेरा दिल कर रहा है कि नीचे जाऊं। अभी हम गेस्ट का वेट कर रहे हैं, वो रास्ते में स्टक है ट्रैफिक में, तो अगर वो लेट हो जाते हैं तो फिर हम बच्चों को नीचे लेके जाके तो थोड़ा सा सन के नीचे बैठते हैं, तो अगर वो आ गए तो फिर हम बिजी हो जाएंगे तो फिर हम नहीं जा सकेंगे। सो गाइस, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कौन? मीम जी। मीम जी आई हैं आज हमारे घर। और मीम जी, जी जी, आपको भूख तो नहीं लगी हुई? कुछ लगता है, कुछ मुझे तो बहुत लगी हुई है तो। मैं तो सुबह से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया, और जिसकी वजह से थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है। थोड़ा सा हम काम में अपने बिजी थे, सो अभी बस थोड़ी देर में लंच या डिनर, पता नहीं अब क्या टाइम है, सुबह शाम के 5 बज रहे हैं। कितनी भूखी हो तो। नहीं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा अच्छा। हाँ, सुबह से कुछ नहीं खाया तो पानी तक नहीं पिया, तो अब कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं इंशाल्लाह। खाने के बाद मिलते हैं। ओके गाइस, हानिया हाउ इज गोइंग योर डे? गुड। बस आज आपके मजे हैं क्योंकि आपको पता है ना, मम्मा बिजी हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, गेस्ट के साथ, और आप बस बिस्किट खाती जा रही हो आज। क्योंकि मैं बेटर हो रहा हूँ, मैं बहुत जैसे गंदी चीज नहीं खाया। मेरा डे है खाने के लिए गंदी चीजें। गंदी चीजें खाने का डे है आपका? तुम्हारा भी मैं खाएगा, उसके बाद भी स्टार्ट कर लेगा मैं खाने के लिए। अब एवरी डे गंदी चीजें खाओगी? हाँ जी, लेकिन मैंने अभी फ्रूट्स तो खाया है। फ्रूट्स खाए, लेकिन आपने ग्रेप्स फिनिश नहीं किए। होता है जब क़यामत का। तो क्या होता है? ये होता है। धीमी दिखाए, मैं गर्म करके लेके आता हूँ, बहुत जल्दी जो है वो ठंडे हो जाते हैं। ये हो चुका है, हमने रखा था 45 सेकेंड्स के लिए। हाँ, ये हो गया है क्योंकि ये क्वांटिटी में कम था, इसलिए ये जल्दी हो गया है। बनाया फ्राज भाई, गर्म है ये, अब हम इसको भी गर्म करते हैं few seconds के लिए।
ये मेम जी आपका थैंक यू जी देख ली इनफ है आहो सॉरी स्पून दे इंग्लिश फूड है नहीं खानी है ओह हाँ आप तो पास्ता लाइक नहीं ज्यादा कर दी देसी खाने वाले देसी खाना अच्छा देसी खाना खा सही 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 को बच्चे जो हैं वो बाहर प्ले कर रहे हैं तो ज़फ़ा कह रहा है मुझे पानी चाहिए ज़फ़ा आपने भागना नहीं है ओके रन नहीं करना मेरा बेटा स्वेटिंग भी होगी और टायर्ड हो जाओगे आप बैना का है पानी चाहिए आपको भी पानी चाहिए गेस्ट हमारे चले गए हैं और अभी गए हैं थोड़ी देर पहले तो अब हाँ सोनिया के सर में बहुत पेन हो रहा है तो उससे पूछते हैं कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ सोनिया पेन ठीक हुआ है कि नहीं हो रहा है इस जगह पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है सर तो फिर इस तरह करते हैं पहले डिनर करते हैं डिनर के बाद दो टैबलेट्स लो दिल कर रहा है और सो जाओ बस लाइट्स ऑफ हो जाए सारी हाँ। और नींद भी पूरी नहीं हुई और सारा दिन आज बिजी रहा है तो मैं बताता हूँ सिर्फ नींद ना पूरी होने की वजह से तुम्हें पेन हो रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं है मुझे अचानक स्टार्ट हो गया हेड कितना ज्यादा बहुत वर्स्ट मुझे मेडिसिन लाजमी खानी पड़ेगी उसके बगैर गुजारा नहीं है पहले डिनर करो खाली पेट मेडिसिन मेरे एक दो काम है अभी थोड़े से पता है आपको चलो देखते खाना खाते हैं चले गाइस हम डिनर करते हैं क्योंकि फिर सोनिया ने टैबलेट्स भी लेनी है और क्योंकि रात को नींद नहीं पूरी हुई सुबह हम उठ गए थे एट ओ क्लॉक तो आज छुट्टी का दिन था लेकिन जल्दी उठना पड़ा तो इसलिए मैं भी टायर्ड हूँ सोनिया भी टायर्ड है तो हम सबसे पहले डिनर करेंगे और फिर बच्चों को सुलाते हैं चाय पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है क्योंकि मेरा हेडेक नहीं सही हो रहा है बहुत ज़्यादा सर में शदीद पेन है तो साकिब ने कहा है कि मैं मिल्क पाउडर की चाय बना के देता हूँ नीडो की और मुझे वैसे नीडो की चाय बहुत अच्छी लगती है नीडो की चाय हम ऑफिस में पीते हैं अच्छी बनती है ना अरे मिल्क पाउडर तो ड्राई भी अच्छा लगता है थोड़ी डाल दी ज़्यादा नहीं बहुत 2 teaspoon शुगर कम ही खाए तो अच्छी बात तो बस चाय पी के मैं अब सो जाऊंगी जल्दी हाँ चाय पी के सो जाओ कल फिर मैंने जल्दी उठना है फिर हमने जल्दी उठना है बहुत सारे काम है लगता है कि मैंने इससे भी उठना है जल्दी हाँ तो फिर मैं थोड़ा चलो उठ गई थी लेकिन मुझे लगता है कल के लिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा बच्चों को हमने टाइम पे लिटा दिया अब हमने चाय पी के तो हम सो जाएंगे क्योंकि मेरे सर में भी दर्द शुरू हो गया है मैंने तो मेडिसिन खा ली है नहीं मेरा मैं सो जाऊंगा ना तो ठीक हो जाएगा मैंने 2 paracetamol की जो है वो गोली खा ली है तो नहीं अब चाय पियेंगे तो ठीक हो जाएगा ठीक है बस अब चाय पी के मैंने सो जाना जल्दी से तो यहीं पे आई थिंक व्लॉग एंड करते हैं आज का कल आपसे नए व्लॉग में बात होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग And please subscribe, share, like, Allah and comment. Allah Hafiz. Tumse dil le dilo.